दोस्तों, एप्पल वॉच में आपको क्या मिलेगा आने वाले दिनों में? गूगल मीट ने क्या नया फीचर लॉन्च किया है और ट्विटर किस नए फीचर को रोल आउट कर रहा है इंडिया में? ऐसा ही बहुत कुछ आपको आज टेक न्यूज एपिसोड में जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। करेंगे आज का एपिसोड, और सबसे पहले हम 130 करोड़ भारतीयों को 100 करोड़ यानी कि 1 बिलियन वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करने पर दोस्तों बधाई, और इन सभी का श्रेय उन सभी छोटे छोटे वर्कर्स जो कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस या फिर दोस्तों इमरजेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, जिन्होंने इस पैंडेमिक के बीच में दोस्तों हम भारतीयों को सुविधा पहुंचाने का काम किया है, उन सबको दोस्तों मुबारकबाद। और अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, एप्पल वॉच में आने वाले दिनों में हमें स्ट्रेचेबल बैंड मिलने वाला है। ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए एप्पल इस तरह के स्ट्रेचेबल बैंड पर काम कर रहा है, क्योंकि ये चीज आप भी मॉनिटर करते होंगे कि जब कभी कभी स्मार्ट वॉच के जो रिस्ट बैंड है वो दोस्तों आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने में दोस्तों वो एक्यूरेसी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं जो होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये रिस्ट बैंड हमें मिलता है। अगला अपडेट गूगल मीट से है। कॉन्फ्रेंस या फिर वीडियो कॉल के दौरान कोई भी होस्ट अपने किसी भी पार्टिसिपेंट या फिर मल्टी पार्टिसिपेंट को जब चाहे उसकी वॉइस या फिर ऑडियो को म्यूट कर सकता है, और ये फीचर वाकई में बेहद ही काम का है, क्योंकि वायरल होती हुई वीडियोस आप बहुत सारी देख सकते हैं जिसमें कि कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई एक पार्टिसिपेंट कुछ और बोल रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि दोस्तों कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में होस्ट चाहे तो किसी भी पार्टिसिपेंट की ऑडियो या वीडियो को म्यूट कर पाएगा, और ये फीचर दोस्तों काफी काम का है। क्रिकेट का बुखार इंडियंस के सर पर कितना चढ़के बोलता है ये किसी से छुपा नहीं है, और इसी का फायदा उठाया है ट्विटर ने। ट्विटर क्रिकेट ट्विटर इंडिया के नाम से एक नया फीचर रोल आउट किया है, जिसमें कि आपको लाइव स्कोर अपडेट्स और उससे रिलेटेड कमेंट्स यानी कि ट्वीट्स वगैरह मिल सकेंगे। जो भी क्रिकेट लवर हैं वो लाइव स्कोर के साथ साथ जो भी चाहे वो हैशटैग का यूज करके शेयर कर सकेंगे, और ये फीचर दोस्तों आपको सबसे पहले इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और इसके पीछे की वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि अब T20 मैच वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखकर इस नए फीचर को लाया जा रहा है। अगर ये बेहतर मतलब रिस्पॉन्स देता है तो फिर दोस्तों इसके 24/7 365 days हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाबी ने यूरोपियन मार्केट में अपनी स्मार्ट वॉच सीरीज जीटी का नेक्स्ट वर्जन GT3 लॉन्च कर दिया है, दो डायल साइज़ में 42mm और 46mm एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ इसमें 110 से ज्यादा डिफरेंट एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। 14 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल सकेगा। तकरीबन 26,500 रुपए से इसकी प्राइस शुरू हो रही है। यूरोपियन मार्केट के बाहर कब तक आएंगे दोस्तों इसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं हाथ लगी है, लेकिन स्मार्ट वॉचेस से ज्यादा इसके वॉबी ईयरबड लिपस्टिक ज्यादा दोस्तों अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि इसका जो चार्जिंग केस है उसको लिपस्टिक डिजाइन में इस तरह से ढाला गया है कि वो वाकई में दोस्तों क्रेजी लग रहा है, और खासतौर पर विमेन और गर्ल्स के लिए दोस्तों बेहद ही मजेदार साबित होने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों ही डिवाइसेस को रिस्पांस मार्केट से कैसा मिलता है। इंडिया में D2H का मार्केट बहुत विशाल है, इसीलिए ढेर सारी कंपनियां दोस्तों इसमें काम कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि तीसरे क्वार्टर में 2021 की कौन सी कंपनी है जो लगातार 3 क्वार्टर के बाद भी टॉप पर बनी हुई है? मैं आपको बताता हूं कि रिपोर्ट सामने आ गई है। टाटा स्काई ने एक बार फिर से कंसेक्यूटिव 3rd क्वार्टर में दोस्तों टॉप पर रहने का मकाम हासिल किया है। 33.36% मार्केट शेयर के साथ में टाटा स्काई टॉप पर है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आप घर पर टाटा स्काई का यूज करते हैं या फिर किसी दूसरी D2H सर्विस का? नीचे कमेंट करके बताइए। Realme Watch का सक्सेसर Realme Watch 2 जल्दी ही मार्केट में आने वाला है, लेकिन कंपनी इस पर क्या काम कर रही है? कुछ दोस्तों सजेशन सामने आ गए हैं। Realme Watch 2 में हमें बड़ी डिस्प्ले 1.6 इंच की मिल सकती है, जबकि वॉच में यानी कि Realme वॉच में हमें 1.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिली थी। इस स्मार्ट वॉच में हमें इंप्रूव्ड बैटरी बैकअप और साथ में और भी ज्यादा एक्सेस हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मोड भी मिलने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों स्मार्ट वॉच पर इसमें काम चल रहा है, कब तक लॉन्च होगा इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। देखते दोस्तों कब तक कंपनी इसको लेकर आती है। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन होने के बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से वापस हो चुका है, जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में मिला है। लेकिन अब दोस्तों पबजी न्यू स्टेट नाम का एक नया फ्री टू प्ले मोबाइल गेम लॉन्च होने जा रहा है दुनिया भर के 200 मुल्कों में एक साथ। 11 नवंबर डेट इसकी
अनाउंस हो चुकी है। इस नए प्ले गेम में हमें मिलेगा देखने को 19 से ज्यादा डिफरेंट ग्लोबल लैंग्वेजेस का सपोर्ट और साथ में 23 से ज्यादा कंट्रीज में इस समय अंडर ट्रायल ये गेम चल रहा है। और दोस्तों इंडियंस को मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पबजी मोबाइल न्यू स्टेट इंडिया में भी लॉन्च होगा जिसमें कि आपको एक नया ही यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अपडेट है एप्पल के आई मैक के बारे में। 2022 में आई मैक हमें 27 इंच के डिस्प्ले साइज में मिलेगा जिसमें कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा और साथ में होगा दोस्तों मिनी एलईडी डिस्प्ले पैनल जो कि अब तक के आई मैक को सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड और सबसे ज्यादा कमाल का बनाने वाला है। लेकिन ये रूमर है दोस्तों, देखते हैं कि 2022 में जब आई मैक लॉन्च होता है तो हकीकत में उसमें हमें क्या मिल पाता है। लास्ट में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करने का इरादा कर चुकी हैं। इसी को लेकर 2030 की डेडलाइन भी बनाई गई है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसी कंपनियां भी इस मार्केट में उतरने को अनाउंस कर चुकी होती है जो सुनकर दोस्तों बाकी में अचंभा लगता है। फॉक्सकॉन ने इरादा कर लिया कि 2024 तक वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रीजन में प्लांट सेटअप करने जा रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को असेंबल किया जाएगा जिसमें की इंडिया भी एक नाम शामिल है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन मार्केट में भी फॉक्सकॉन ईवी प्लांट सेटअप करेगा। अभी दोस्तों कंपनी की फिलहाल यह तैयारी चल रही है कहां तक पहुंची है और क्या वाकई में 2024 तक कंपनी इस मुकाम को हासिल कर पाएगी ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। बाकी दोस्तों आज के एपिसोड में जो कुछ आपको पता था बता दिया है। कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े चैनल के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद।